यूपी विधानसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी अपने लोक लुभावनी वादों से जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगे हुए हैं, जिनकी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें कई प्रत्याशी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे सियासी पारा भी गर्माता नजर आ रहा है, तो कहीं किसी नेता की जुबान फिसल जा रही है जिससे उनकी या उनकी पार्टी की छवि पर सवाल भी उठ रहे हैं और हंसी के पात्र भी बन रहे हैं। कुछ ऐसा ही एक मामला बदायूं से भी सामने आ रहा है, जहां सपा प्रत्याशी हाजी रईस की जुबान फिसलने से अपनी ही पार्टी की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो उनकी ही जनसभा में मौजूद किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। के बीच में यही कहते बेटा है कि रईस तुम्हारा बदल है, तुम्हारी जन्मभूमि है, तुमको जो चाहिए था तुमको मालिक ने सब कुछ दे दिया है, अब जाके समाजवादी पार्टी की तरफ से आप अपने लोगों की खिदमत करो, इसी मकसद से मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से देश को बर्बाद किया है, हमारे प्रदेश को बर्बाद किया है, हमारे जिले को बर्बाद किया है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। खास करके किसानों के साथ जो जुर्म और जाति हो रही है वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन था, किसानों को क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए, उनको देशद्रोही कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया और न जाने क्या क्या उनको आरोप लगाए गए। 700 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की, वो आत्महत्या नहीं थी, वो मर्डर था, सरकार के द्वारा किया गया मर्डर था, यकीन कीजिए। हमारा दरअसल बदायूं की सदर सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हाजी रईस का एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को जिताने के लिए अपील कर रहे थे। उसी दौरान रईस की जुबान फिसल गई और अपनी ही पार्टी की उन्होंने बखिया उधेड़ दी। हाजी रईस बोलते बोलते यह बोल गए कि समाजवादी पार्टी ने देश प्रदेश और जिले को बर्बाद कर दिया है और ये बात किसी से छुपी नहीं है। हालांकि बाद में हाजी रईस ने इस वीडियो का खंडन करते हुए ये कहा कि उनकी वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई। जब उनसे इस वीडियो के बारे में सवाल किए गए तो रईस ने इसका ठीकरा बीजेपी नेताओं के सिर फोड़ते हुए इसे बीजेपी को साजिश बता दिया। रईस का कहना है कि वो सपा के लिए जान भी दे सकते हैं तो उसके बारे में ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं, लेकिन वायरल वीडियो जिसको रईस गलत बता रहे हैं उसका कोई दूसरा ओरिजिनल वीडियो पेश नहीं किया गया और न ही किसी के खिलाफ कोई शिकायत की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज़।